माननीय अध्यक्षा महोदया, अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक पूरी मनगढ़ंत और झूठी एफआईआर करी, केस दर्ज किया कि मनीष सिसोदिया जी पैसे खा गए, शराब नीति में पैसे खा गए। हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में आदमी को किसी भी तरह की जांच पड़ताल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि तुरंत मनीष जी ने बयान दिया कि मैं सब तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, सीबीआई, ईडी जो जांच करना चाहे जांच कर ले। मनीष जी ने धमकी नहीं दी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन के केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे क्यों कर दूंगा, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। तो आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया जी शराब की नीति में पैसे खा गए, तो वो पैसे ढूंढने के लिए सीबीआई इनके घर गई, तो खूब ढूंढा उन्होंने चारों तरफ, काफी देर ढूंढा, सारा 14 घंटे तक उन्होंने ढूंढा, सब कुछ देखा, गद्दे फाड़े, तकिए फाड़े, बता रहे हैं दीवारें भी यूं यूं करके देखी, खोखली मिलती तो शायद दीवारें भी तोड़ देते, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। 14 घंटे के बाद वो चले गए, बट 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की। कुछ लोग, मैं देख रहा था टीवी में, आरोप लगा रहे थे ये लोग कि जवाब क्यों नहीं देते, जवाब सारे जवाब दिए इन्होंने, जितने प्रश्न सीबीआई वालों ने पूछे सारे जवाब दिए, और सीबीआई वाले पूरी तरह से संतुष्ट होके इनके घर से गए। फिर सीबीआई वाले इनके गांव गए, गांव में सारे गांव वालों से पूछा, भाई मनीष सिसोदिया ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, जमीन खरीदी हो, कोई खेती की जमीन खरीदी हो, कोई मकान खरीदा हो, कोई कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर चेक करने के लिए गए, उनको लगा शायद यहाँ कोई ज्वेलरी हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी के कागज़ हो, वहाँ शायद 70-80 हज़ार रुपये के भाभी जी के कोई छोटे मोटे गहने मिले। तो लॉकर चेक कर लिया, गांव में सारी प्रॉपर्टी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो अब सीबीआई वाले भी अच्छे लोग हैं, इंसान हैं वो भी, उनके दिल में भी आत्मा, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी सोचते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा। वो जाते जाते कह रहे थे इनको, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक बार आपको गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। तो मनीष जी ने उनको कहा भी चिंता मत करो, जब भी गिरफ्तार करना हो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लेना। तो गिरफ्तार तो होंगे ही, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सारा देश देख रहा है, भाई सारी जांच कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला, पाक साफ। एक तरह से मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है कि तुम सबसे ईमानदार। बाकी राजनीति तो चलती रहेगी, गिरफ्तारी जो है वो तो राजनीतिक होगी। मैं ये देख रहा था कि इस तरह के झूठे सच्चे केस कर करके, इंक्वायरी कर करके मिलता क्या है इनको। मानव जीवन का मुझे लगता है 3-4 हज़ार साल का इतिहास है, इन 3-4 हज़ार साल में शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हुए होंगे पूरी दुनिया में, पूरे इंसानियत, इंसान, मैं सारा आज डेटा लेके आया हूं, हमारे 49 एमएलए के ऊपर 169 केस हुए हैं, छोटी सी पार्टी है, अभी अभी पैदा हुई है, और हमारे ऊपर 169 केस कर दिए इन्होंने, 49 एमएलए पे 169 केस कर दिए, 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिए, कोर्ट ने कहा अभी कुछ नहीं है इन केस में, खूब डांटा इनको पुलिस वगैरह को कि क्या बेकार की के। 35 केस अभी पेंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने, 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। 13 केस मनीष जी के ऊपर करे थे, उसमें से 10 में ये बरी हो गए, 3 पेंडिंग है। जैन साहब के ऊपर 4 केस करे थे, 2 में बरी हो गए, 2 पेंडिंग है।
दिनेश मोहनिया पे 10 केस करे थे, 9 में बरी हो गए, एक पेंडिंग है। वंदना कुमारी पे 6 केस करे थे, सारे बरी हो गए। अखिलेश त्रिपाठी पे 4 करे थे, 3 बरी हो गए। इस तरह से पूरी लिस्ट है 49 MLAs की। इन्होंने हमारी बोले बसों की खरीद पे घोटाला हो गया, कर लो जी आ जाओ जांच कर लो, कर ली सारी जांच, कुछ नहीं मिला, एक नए पैसे का कुछ नहीं मिला। बोले शराब पॉलिसी में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक तो। स्कूलों में घोटाला हो गया, सारे स्कूलों की भी जांच, 4 साल हो गए इनको स्कूलों की जांच करते करते, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक में बोले खूब घोटाला हो गया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। बोले अस्पतालों में घोटाला हो गया, अस्पतालों के कंस्ट्रक्शन में, दवाइयों में, पता नहीं क्या क्या, वो सारी जांच कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला। कोरोना के वक्त बोले घोटाला हो गया, पूरी दुनिया कह रही है कोरोना में हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बोले घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली। बोले सड़कों के निर्माण में घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इससे क्या फायदा है, इससे कोई देश का फायदा है ऐसी झूठी सच्ची जांच करके? देश का टाइम खराब कर रहे हो, लोगों का टाइम खराब कर रहे हो, काम में अड़चन अड़ा रहे हो, रोज नई नई उलट पुलट जांच कर रहे हो। एक जरूर हुआ है, जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकारी बन जाएगी गुजरात में। आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही पार्टियां बची हैं, एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी, 2 ही पार्टियां हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें सारे उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब ईमानदार हैं। और जो कट्टर बेईमान पार्टी है उसमें रोज भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है, रोज भ्रष्टाचार। कल सुन रहे थे कर्नाटक के अंदर ठेकेदार खड़े होके कह रहे थे, खुलेआम कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, वो डर भी निकल गया उनका। ठेकेदार खड़े होके कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे से 30% पैसे खा गए, मेरे से 40% है। कट्टर बेईमान पार्टी वो है जो जहरीली शराब बेचती है, कट्टर पार्टी बेईमान पार्टी वो है जो नशा बेचती है इस देश के अंदर। कट्टर बेईमान पार्टी है जो 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए में MLA खरीदती है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के टैक्स के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाना बनाती है, कट्टर ईमानदार पार्टी उससे स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है। और कट्टर बेईमान पार्टी जनता से टैक्स लेके और अपने दोस्तों के कर्जे माफ करती है, उनसे MLA खरीदती है। कट्टर बेईमान पार्टी अपने दोस्तों से और अपने पार्टी के लोगों से प्यार करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है। अगर उनकी पार्टी का कोई पकड़ा जाए तो उसको जांच भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनका कोई दोस्त पकड़ा जाए चोरी करते हुए तो उसका कुछ नहीं होता। कट्टर ईमानदार पार्टी देश से प्यार करती है, अगर उनका अपना भी कोई फंसे, अगर अपना भी कोई फंसे तो उसको बख्शती नहीं है कट्टर ईमानदार पार्टी। कट्टर बेईमान पार्टी है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, कईयों की फर्जी डिग्रियां हैं उनके नेताओं की। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं, डिग्री असली है। कट्टर ईमानदार पार्टी के पास अच्छी टीम है, समझ है, विजन है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो 24 घंटे गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, पूरे देश में बेईमान पार्टी को पता चल जाए किसी ने बलात्कार किया, उसको पार्टी में शामिल कराने के लिए पहुंच जाते हैं, औरतों को गंदी गंदी गालियां देते हैं ये। और कट्टर ईमानदार पार्टी है जो शरीफों की पार्टी है, महिलाओं की इज्जत करती है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो दोस्तों की फिक्र करती है, दोस्तवाद करती है, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत की परवाह करती है, भारतवाद करती है। और जैसा अभी राजेंद्र गौतम जी ने कहा कि कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहती है, और कट्टर बेईमान पार्टी वो है जो अपने दोस्त को दुनिया का नंबर वन बनाना चाहती है।
मैं कहता हूं मैं फ्री बिजली देना चाहता हूं, बताओ क्या गलत करता हूं? पैसा स्विस बैंकों में नहीं ले जा रहा, जनता को फ्री बिजली, ये इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं देखता हूं इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं मेरे को। मैं कहता हूं मैं स्कूल और अस्पताल बनाना चाहता हूं देश में, दिल्ली में हमने इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, इतने अच्छे अच्छे, ये जैसे ही मैं कहता हूं मैं स्कूल अस्पताल बनाऊंगा मेरे ऊपर केस कर देते हैं, ये इतने केस कर दिए इन लोगों ने मेरे ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि स्कूल और अस्पताल बनाए बिना क्या देश की तरक्की हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती देश की तरक्की। तो आज दो मांग हम कर रहे हैं इनसे, एक तो ये जो एमएलए खरीदते हो तुम, इन्होंने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, अब झारखंड में करने जा रहे हैं, बता रहे हैं 20-20 करोड़ से 50-50 करोड़ रुपए तक के एमएलए खरीदे हैं, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो आज पहली मांग तो इस देश के लोगों की आ रही है, एमएलए खरीदना बंद करो, बहुत हो गई गुंडागर्दी, सरेआम मंडी बना रखी है इन्होंने एमएलए की, एमएलए खरीदना बंद करो और ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो। और दूसरी मांग है कि ये कर्जे जो तुम लोगों ने अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हो, ये सारा पैसा रिकवर किया जाना चाहिए और किसानों के और स्टूडेंट्स के कर्जे माफ किए जाने चाहिए, ना कि दोस्तों के कर्जे माफ। ये डिबेट आजकल अमेरिका में भी चल रहा है, अमेरिका के अंदर भी दो पार्टियां हैं, जो बिडेन साहब अभी स्टूडेंट्स के कर्जे माफ कर रहे हैं, दूसरी पार्टी है जो इनके दोस्त की पार्टी है, वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं होने चाहिए, अरबपतियों के कर्जे माफ होने चाहिए, वो इसका विरोध कर रहे हैं, वहां भी यही चल रहा है और यहां भी यही डिबेट चल रहा है इस देश के अंदर कि क्या अरबपतियों के कर्जे माफ होने चाहिए या किसानों के और स्टूडेंट्स के कर्जे माफ होने चाहिए। मैंने पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं जो टीवी में चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, बहुत आहत हूं मैं, ये चल क्या रहा है? मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसा लड़ाई झगड़ा, हमारा कसूर क्या है? मैं देख रहा था स्कूलों के ऊपर ऐसे टूट के पड़े हैं ये, कि इन्होंने क्या आरोप लगा रहे हैं कि इतने स्कूल क्यों बना दिए, इतने स्कूल क्यों बना दिए? तो स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, किसी भी देश में स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, बताओ क्या गलत करा? इनका दूसरा आरोप है स्कूलों में इतने कमरे क्यों बना दिए? अब कमरों में हम तो रह नहीं रहे, बच्चे ही पढ़ रहे हैं यार कमरों के अंदर, तुमको क्या तकलीफ है? बोले गरीबों के बच्चों के लिए इतने कमरों की क्या जरूरत है, गरीबों के बच्चे तो कम कमरों में भी पढ़ लेंगे, एक एक कमरों में 100-100 ठूस दो पढ़ लेंगे। अरे हम गरीबों के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तुमको क्या तकलीफ है? तुम अपने बच्चों को विदेश भेजते हो, हम अपने बच्चों को अपने देश के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते क्या? कहते गरीबों के बच्चों के लिए इतने स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए इतने टॉयलेट क्यों बना दिए? बताओ टॉयलेट, ज्यादा टॉयलेट बना के हम क्या करेंगे उसका, हमारा उसमें क्या रोल है यार? पहले ऐसे जमाना था जहां पे टॉयलेट्स ही नहीं होते थे स्कूलों के अंदर, बच्चियों को अपने घर जाना पड़ता था अगर जरूरत पड़ती थी, आज अगर हमने अच्छे टॉयलेट बना दिए वहां हमारी बेटियों को, बच्चियों को, बच्चों को अगर सुविधा मिल रही है तो इसमें क्या तकलीफ है? ये आरोप है इनके, ज्यादा स्कूल क्यों बना दिए? फिर कह रहे हैं क्लासों में इतना डिजिटल बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, इतने शानदार डेस्क बनाने की क्या जरूरत है? गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूर के बच्चे, इन लोगों को क्या जरूरत है इतने अच्छे अच्छे डेस्कों पर पढ़ने की? इन लोगों को क्या जरूरत है डिजिटल बोर्ड की? इतना पैसा खर्चने की क्या जरूरत थी? हम तो करेंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, अब यह देश बदलेगा, अब यह देश रुकने वाला नहीं है। तुम लोगों ने गरीबों का मजाक बना दिया था इस देश के अंदर, अब इस देश के गरीबों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और तुमसे आंखों में आंखें मिला के तुमको तुम्हारा सामना करेंगे गरीबों के बच्चे। पहले कहते थे केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया, केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया, केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं बनाया, आजकल कहते हैं केजरीवाल ने ज्यादा स्कूल बना दिए, केजरीवाल ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। ये मैंने कहा कि जो कट्टर बेईमान पार्टी है इस देश की वो अनपढ़ लोगों की पार्टी है, डिग्री नहीं है उनके पास, समझ नहीं है उनके, बेवकूफों की भी पार्टी है ये। एक मैं देख रहा था आजकल स्कूलों में घूम रहे हैं ये, कल मैंने देखा सौरभ के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आजकल स्कूलों में घूम रहे हैं कि कमी निकालनी है, कुछ भी कमी निकालनी है,
यार जबरदस्ती कमी निकालने की क्या जरूरत है, अच्छे स्कूल बने हैं, अप्रिशिएट करो, आप भी बनाओ, लंबी लकीर खींचो। तो स्कूल में जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। एक मैं देख रहा था, इनका बहुत बड़ा नेता एक डेस्क के नीचे घुसा हुआ था। डेस्क के नीचे घुस के देखो यहां पे मिट्टी है, वहां पे दिखा रहा था, देखो यहां पे मिट्टी है, कैमरा वालों को बुला रहा था एक डेस्क के नीचे घुस के। ये क्या है, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। यार अच्छे काम एक दूसरे से सीखते हैं ना। मैं इनको बार बार कह चुका है, असम के मुख्यमंत्री के साथ अभी ट्विटर पे बातचीत हुई, मैंने उनको कहा भाई आपने कुछ अच्छा काम किया, मैं आता हूं, दिखाओ मेरे को, मैं भी दिल्ली में करूंगा, आप दिल्ली में आओ, मैंने जो किया मैं भी दिखाते ही नहीं है कुछ, बताते ही नहीं है कुछ, करते ही नहीं है। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री को कहा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा, यूपी के मुख्यमंत्री को कहा, आपने जो अच्छे काम किए, अभी मैं तमिलनाडु जा रहा हूं 2 दिन के बाद, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, वो बुला रहे हैं मेरे को, मैं जाऊंगा, वहां से सीखूंगा, वो हमसे सीखेंगे। इनके कितनी बार हमने कह लिया भाई जो हम अच्छे काम कर रहे हैं आप सीखो, जो आपने अच्छे काम किए हम बताएंगे। ये इस तरह की नौटंकी करने से क्या फायदा, इससे देश का फायदा थोड़ी होता है। जो मार काट गुंडागर्दी लड़ाई झगड़ा बस 24 घंटे यही करते रहते हैं, इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। मैं सामान्य सा आदमी हूं, एक मिडिल क्लास का सामान्य से परिवार में पैदा हुआ, आईआईटी गया, आईआईटी में मेरी पढ़ाई हुई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। आज मैं जो कुछ भी हूं मैं समझता हूं कि मैं मेरी शिक्षा की वजह से हूं। आज मेरे दोनों बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, बेटी आईआईटी में पढ़ के पास हो चुकी है, बेटा, दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं, वो भी अपनी शिक्षा की वजह से। मेरा आज एक ही सपना है कि जो शिक्षा इस देश ने मेरे को दी, मेरे बच्चों को दी है, वो शिक्षा मैं इस देश के हर बच्चे को दिला पाऊं मेरी जिंदगी में। मेरे को जो शिक्षा मिली है, मेरे को जो शिक्षा मिली है, वो उसी क्वालिटी की शिक्षा इस देश के हर बच्चे को मिलनी चाहिए। और जो इन लोगों ने करना है कर ले, मेरे को गिरफ्तार करना है मेरे को भी कर ले, इसको करना है हम सबको जेल में डाल दें, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। एक थोड़ा एक दो दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसके लेके हम सब लोग चिंतित हैं। हम इसमें किसी भी किस्म की राजनीति नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एलजी साहब और केंद्र सरकार इस बारे में जो भी उचित कदम है वो उठाएगी, हमसे जो भी सहायता चाहिए हम करने को तैयार हैं अपने अपने स्तर के ऊपर। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है कि पूरे देश के अंदर सबसे अनसेफ मेट्रो जो है वो दिल्ली है। ये दाग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अपनी महिलाओं को हम चाहते हैं वो सबके लिए सुरक्षित हो। और आज पढ़ा हमने न्यूज़पेपर में, मीडिया में भी देखा कि एक बच्ची को गोली मार के 3 लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। इसकी हम कठोर निंदा करते हैं, उसमें से 2 लड़के बता रहे हैं पकड़े गए हैं, एक अभी भी फरार है, वो भी पकड़ा गया है। इस किस्म की इंसिडेंट्स किसी भी सभ्य सोसाइटी में शोभा नहीं देते, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज ये जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, इसका सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि पूरे देश के अंदर जो इन लोगों ने माहौल बना लिया, इनको लगता है कि किसी को भी खरीदा जा सकता है, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं खरीदा जा सकता। आज ही हम इस देश के सामने साबित करेंगे। इन्होंने 40 ML खरीदने का प्लान बनाया था, हमारे 12 MLA से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे। हमारा 1 भी ML नहीं बिका, इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हमारे टोटल 62 MLA हैं, 62 में से स्पीकर साहब अभी कनाडा गए हुए हैं, नरेश बाल्यान ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, सतेंद्र जैन साहब अभी जेल में हैं, उन 3 को छोड़ के आज 59 MLA यहाँ मौजूद है, काउंटिंग कर रहे हैं।